फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम पर बने फिल्म तीसरी कसम अगर आपने देखी होगी तो आपको अच्छे से याद होगा कि अपने बैलगाड़ी में बांस लादने की वजह से गाड़ीवान हीरामन, जिसका किरदार राज कपूर ने निभाया था, किस तरह मुसीबत में फंस जाता है और कसम खाता है कि वो आइंदा कभी भी अपनी गाड़ी में बांस नहीं लादेगा। दरअसल ये सिर्फ कहानी या मूवी ही नहीं बल्कि ये सच है। 1927 के इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के मुताबिक बांस को एक पेड़ माना गया था और उसे काटना और दूसरी जगहों पर ले जाना वन विभाग की नज़र में गैरकानूनी काम था। इस अजीबोगरीब कानून की वजह से बांस उगाने वाले राज्यों, खास तौर से पूर्वोत्तर के किसानों को 90 सालों तक बिला वजह परेशानी उठानी पड़ी। चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के बावजूद भी हमें चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे कंट्रीज से बांस आयात करना पड़ता था। साइंटिफिकली बांस हार्डवुड ट्री तो है ही नहीं बल्कि ये ग्रास फैमिली का मेंबर है, यानी काफ़ी बड़ा घास है। 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसे ग्रास फैमिली का मान लिया, जिसकी वजह से ये कानून अब ख़त्म हो गया। अब भारत के किसान बांस उगाकर आसानी से इसका व्यापार कर सकते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बैम्बू का बहुत इस्तेमाल है, जो इको फ्रेंडली भी है। ईयरबड, अगरबत्ती जैसी छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी फर्नीचर्स तक बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। हैंडक्राफ्ट की चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव और यूज़फुल बनती हैं। ओक से भी ज़्यादा मजबूत होने और जल्दी तैयार होने की वजह से यह बिल्डिंग मटेरियल और पुल बनाने में भी यूज़ होता है। बैम्बू फॉरेस्ट ग्लोबल वार्मिंग मिटिगेशन में भी बहुत कारगर साबित हुआ है। बाकी हार्डवुड ट्रीज़ के मुकाबले ये जंगल कम से कम समय में तैयार हो जाते हैं और बाकी पेड़ों के मुकाबले 35% ज़्यादा ऑक्सीजन भी रिलीज़ करते हैं। एक फुली मैच्योर्ड बैम्बू प्लांट पूरे साल में लगभग 300 केजी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, जो एक इंसान के पूरे साल के लिए काफ़ी है, और पर एकड़ 80 टन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। अपने यूनिक राइजोम डिपेंडेंट सिस्टम की वजह से इसकी ग्रोथ भी बहुत मिरेकुलस होती है। 24 घंटे में ये 2 से 3 इंच से लेकर 2 से 4 फीट तक की ग्रोथ करता है, जो अलग अलग वैरायटीज़ पे डिपेंड करता है। 5 साल के अंदर इसकी फुली ग्रोथ और हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है और इसके कटाई के बाद इसको दोबारा बुआई की ज़रूरत नहीं होती। अंदर पड़े रूट्स के ऊपर ही शूट्स आनी शुरू हो जाती हैं और जल्द से जल्द ग्रो करती जाती हैं। इस तरह टाइम, लेबर एंड कॉस्ट की कम ज़रूरत पड़ती है। सॉइल कंजर्वेशन में भी इनका बड़ा रोल है। इन सीधे साधे बांस के पौधों का हमारे लाइफ में कितना यूज़ है आप समझ सकते हैं।